वजू बनाते वक्त अजान का जवाब देना कैसा है, और अजान के जवाब देने में क्या आदाब आदाब और एहतराम होना वजू चाहिए? बनाते वक्त अजान का जवाब देना कैसा है? वजू बनाते वक्त अजान का जवाब बिल्कुल देना है, क्योंकि जब आप वजू बना रहे हो तो वजू बनाते वक्त कोई जिक्र अजकार नहीं है जो आप कर रहे हो, या आपका आपकी जबान मशगूल है। वजू तो आप हाथ से हाथ चला रहे हो, जबान आपकी खाली है, तो आप अजान का जवाब भी देते रहो, वजू बनाते रहो। दूसरा, आपने कहा कि अजान के क्या आदाब हैं। अजान के, अगर अजान के सिलसिले में जो हदीसें वारिद हुई हैं, उन तमाम हदीसों को आप इकट्ठा करेंगे तो तकरीबन 5 तरह के सुन्नतें हैं अजान से मुताल्लिक। पहली सुन्नत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मुअज्जिन अजान दे तो उसी तरह से कहो जिस तरह मुअज्जिन बोल रहा है। तो अजान का जवाब देना, अजान का जवाब देना, सिवाय हय्याल सलाह और हय्याल फलाह में आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है, बाकी जो कलिमात मुअज्जिन कहेगा उसी तरह से आपको रिपीट करना है। और गौर से सुनते रहिए, अजान के कलिमात को गौर से सुनिए और जिस तरह मुअज्जिन कहे उसको रिपीट करते रहिए। ये एक पहली सुन्नत। दूसरी सुन्नत ये है कि जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह से फारिग हो तो आप कहो कि रदीतु बिल्लाहि रब्बं व बिल इस्लाम दीनं व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। ये भी सुन्नत है। तीसरी सुन्नत यह है कि जब मुअज्जिन अजान से फारिग हो जाए तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले, जो दरूद इब्राहिमी है वो आप पढ़िए। चौथी सुन्नत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला तलब कीजिए, अल्लाहुम्मा रब्बा हादी दावती तामा, जो दुआ है अजान के बाद की वो दुआ पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी ने ये दुआ पढ़ी तो मैं उसकी शफाअत करूंगा, हल्लत लहू शफाअत यौमुल क़ियामा। तो ये कितनी सुन्नतें हो गई, 5 हो गई या 4? बहरहाल ये एक सुन्नत है। आखिरी सुन्नत ये है कि अजान और नमाज खड़ी होने के दरमियान आप जो है 2 रकात नमाज पढ़िए। अजान और जो है जमात खड़ी होने के दरमियान 2 रकात नमाज पढ़िए, इसकी भी बहुत फजीलत आई है। इसी तरह से एक सुन्नत यह है कि अजान और इकामत के दरमियान आप कसरत के साथ दुआ कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यहां पर दुआ रद्द नहीं की जाती है। तो ये बहुत सारी सुन्नतें हैं, तकरीबन 6-7 सुन्नतें हो गई। इन सुन्नतों पर अमल करना चाहिए अजान के वक्त।